ये तो झोला छाप है, इसका झोला पैक हो गया। ऐसा कौन सा झोला है जिसमें रेल भेल तेल सब जा रहा है? मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अब उनका झोला पैक हो चुका है। कुछ ही दिन की बात है, बस 2014 आप सिमिलर करिए, 2014 से 2022 चल रही है। 400 रुपए का सिलेंडर था, आज बताइए 1053 रुपए का सिलेंडर, 1053 रुपए का सिलेंडर है। कहाँ है मोदी, कहाँ है ये महंगाई? वो क्या कहने आए थे, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी, ऐसे जुमले ले लेकर तो वो देश भर लोगों से गलत तरीके से सत्ता में आ गई है। अब आप बताइए, हवाई चप्पल पहनकर उनको हवाई जहाज की सैर कराने वाले थे, कहाँ है? अब तो बस में भी सैर नहीं कर सकते, ट्रेन में भी सैर नहीं कर सकते, हर चीज का दाम बढ़ चुका। और कुल मिला के एक छोटा आटा तेल चावल चीनी बचे थे, वो भी आप इन्होंने टैक्स लगा दिया। आधुनिक भारत बना दिया है, क्या तकलीफ हो रही है? देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, आधुनिक भारत तो जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था, वो थे देश के असली हीरो, वो फ्रीडम फाइटर। ये क्या है, ये तो झोला छाप है, इसका झोला पैक हो गया। ऐसा कौन सा झोला है जिसमें रेल भेल तेल सब जा रहा है? कितना बड़ा झोला है, मगर मैं बता देना चाहता हूँ, झोला अब उनका झोला पैक हो चुका है। कुछ ही दिन की बात है बस, क्योंकि देखिए गरीब आदमी मर भी नहीं सकता। इन्होंने लॉकडाउन के समय गलत तरीके से लॉकडाउन करा, गलत तरीके से GST लेकर आए, ऐसे देश चलेगा? आप बताइए, आज गोल्ड, आज डायमंड पे 1.5% और खाद आटा तेल चावल चीनी पे 18-18%, 5-5%, और दूध दही। अब आप गरीब आदमी क्या करेगा, आप मुझे बताइए। विश्वगुरु कहा जाता है। देखिए कोई विश्वगुरु नहीं है, हमारे भारत की भारत बहुत पीछे हो चुका है, 20 साल पीछे जा चुका है। अब भारत विश्वगुरु नहीं है, भारत विश्वगुरु था आज से पहले। क्या बात कर रहे हैं आप, कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो रिलेशन होते हैं, संबंध होते हैं, उनको अच्छा किया है। अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन हमारे खराब हो चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन हमारे पहले थे अब नहीं है, अब तो खत्म हो चुके हैं। अब आप बताइए, हिंदू मुस्लिम, आप एक बार बताइए, हिंदू मुस्लिम करके आप राजनीति रोटियां सेक रहे हो और आप गल्फ कंट्री में जा रहे हो, वहाँ क्या बेइज्जती हो रही है? नुपुर शर्मा कहाँ गई, बताइए कहाँ है? उन्होंने देश में हिंदू मुस्लिम का जहर भर दिया है, ऐसे देश चलेगा? आप बताइए, ऐसे देश चलेगा? देश नहीं चल सकता, देश चलेगा नफरत की राजनीति को खत्म करके। तो विपक्ष किस तरीके से समाधान करने वाला है जनता के लिए? देखिए मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी का नारा था 2014 में अच्छे दिन आएंगे, सबों के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, मगर 15 लाख रुपए तो एक जुमला था। और ये अच्छे दिन तो आए हैं और वाकई इन्होंने साबित कर दिया है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो मोदी जी के मंत्रिमंडल और खुद तो खा रहे हैं, मगर जनता को भूखा मारने का काम कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था को देखिए आज क्या हाल हो चुका है, डॉलर 80 रुपए पार हो गया है, रुपया नीचे छलांग मार चुका है, गिर चुका है। ये वही सरकार में आज लोग बैठे थे जो बड़े बड़े नारे लेकर आए थे कि अच्छे दिन आएंगे, पेट्रोल 32 रुपए लाएंगे, 23 रुपए लाएंगे, गैस सिलेंडर सस्ता होगा। मैं पूछना चाहता हूँ स्मृति ईरानी से, ये लोग 2014 में मनमोहन सिंह जी को चूड़िया भेंट करना चाहते थे कि पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, हाय हाय महंगा हो गया। आज ये कहाँ है, ये वही एसी के कमरों में बैठे हैं और जनता को राम भरोसे के नाम पर छोड़ दिया। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, 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 मोदी मुर्दाबाद, 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 मोदी मुर्दाबाद। जो जनता की आवाज को उठाने के लिए आते थे, आज ये जनता को आपने राम भरोसे के नाम पे छोड़ दिया, धर्म के नाम पे आपने नफरतें बांट के आपने हिंदुस्तान में धर्म के बीज बोए।